यूनिक शो है हमारे लिए क्योंकि कोर्ट रूम कॉमेडी ये पहली बार अमेज़न नई टीवी लेकर आ रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि इन सारे अमेजिंग कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। और इस शो की खासियत यही है कि जो सेलिब्रिटीज़ लोगों को बहुत पसंद है, लोग सराहते हैं, उन्हें स्टार्स सुपरस्टार्स बनाते हैं, उन पर अतरंगी इल्ज़ाम लगाने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। एंड इल्ज़ाम लगाने वाले भी इतने टैलेंटेड हैं, पारितोष हो, सिद्धार्थ हो, यू नो, सो इट इज़ सुगंधा जी है, संकेत है, सिद्धार्थ है, तो यू नो इट इज़ अमेजिंग टू हैव सच अमेजिंग टैलेंट। एंड ऑफकोर्स मतलब मेरे दोस्त काबिल वकील तो है ही है, वरुण जी, एंड कुशा है, कविन है, तो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। और अतरंगी इल्ज़ाम इस तरह तरह के लगाए हैं और ये मतलब ये ऐसी गाय है जो खुद का खेत छोड़ के पड़ोसी के खेत में घुस जाती है, तो दे आर सुपर वंडरफुल एंड अमेजिंगली टैलेंटेड, सो इट इज वंडरफुल। प्रोमो है, प्रोमो देख लो, बट आई थिंक जैसे अनिल सर की बात की आपने, तो उन पे इल्ज़ाम उनका आईना लगा रहा है कि पूरे दिन तक आप मुझे देखते रहते हो, मतलब 35 साल से आपने मुझे किस तरह फ्रस्ट्रेट किया है, तो वो आईने का फ्रस्ट्रेशन है उन पर। सो इट्स नॉट कि हालांकि कुछ लोग भी लगा रहे, बट कुछ वस्तुएं भी हैं जो लगा रही है, चाहे गाड़ी लगा रही हो, मोबाइल फ़ोन लगा रहा हो, तो करीना जी पर उनका मोबाइल फ़ोन उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वार्डरोब लगा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें। और क्या होता है कि अतरंगी इल्ज़ाम लगाते वक्त बहुत कुछ सोचना पड़ता है राइटर्स को, जब अ वंडरफुल राइटिंग टीम एंड अ फैबुलस डायरेक्टर साजिद साम जी, जो एक्चुअली उनके साथ मैं बहुत सारी फिल्में मैं कर चुका हूँ और ब्लॉकबस्टर उन्होंने दिए, तो होपफुली हिज सुपर टच ऑल्सो टचेस आवर शो। केस तो बनता है कि पूरी टीम के ऊपर मैं ये इल्ज़ाम लगाना चाहूँगा या ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा वक्त ना लगाएं सीज़न 2 बनाने में। हाँ बिल्कुल, आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग, क्योंकि हमको इतना मज़ा आया, वी होप कि ऑडियंस जाकर देखे, क्योंकि ये शो बिल्कुल फ्री है। आपके अमेज़न शॉपिंग ऐप में ऊपर आपको मिनी टीवी का बटन है, वो दबाने के बाद इट्स एन एब्सोल्युट फ्री शो, तो फ्री में इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट आपको मिल रही है। और क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि कोई फ्री का शो है, तो यू नो पीपल स्टार्ट कटिंग द बजट्स कि थोड़ा कम कर दो यार, फ्री में करें तो इसको छोटा करते, बट हैट्स ऑफ टू बानी जे एंड अमेज़न मिनी टीवी कि दे वेंट ऑल आउट टू गेट द बिगेस्ट नेम्स ऑन दिस शो। बहुत मज़ा आया, एक तो ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। मैं सोशल मीडिया पर देखती थी कि लोग जवाब देते हैं, नाउ बीइंग हियर आसान काम नहीं है, डर लगता है इतने लोग खड़े हुए हैं, पर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये जज का काम बहुत ही अतरंगा काम है, बहुत ही अतरंगी शो है, यहाँ पे अतरंगी इल्ज़ाम है, अतरंगी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे लॉयर्स, हमारे विटनेसेस, हमारी राइटिंग टीम, डायरेक्शन टीम, बानी जे खुद, अमेज़न मिनी टीवी, सब बहुत अतरंगी लोग हैं, एंड उसी अतरंगी फ्लेवर में हमने ये शो बनाया है। एंड एज अ जज, ये वो जज है जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पर ये फिर इसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, हमारी जज भी इन्फ्लुएंसर है। आप इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अगर जैसे कोई सेलिब्रिटी आए और अगर वो मेरी फैमिली के साथ पिक्चर खिंचवा ले, तो मैं उनकी सज़ा कम कर देती हूँ और उनको बाइज्जत भरी कर देती हूँ, तो थोड़े से अपने फेवर्स निकालने की उसमें चाह में रहती है ये वाली। किससे ज़्यादा इम्प्रेस हुई? नहीं, मैं फंस ही नहीं सकती।
मतलब ये तो ऐसे ही थी, ये करीना आई है, करीना है, वो भी तो आया, वो भी तो आया। हम लोगों ने